हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम पटवारी का जीके का सेक्शन करेंगे। उसमें हम जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो वो उसका आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो उसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा रेटिनोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, डायनमो की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल फेराडे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, इसमें होता है मिथेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोने की खान। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर जो है हमारे पास वो इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो वह है चाइना। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयला होता है चाइना में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो वो है हम्पी। ठीक है, हम्पी कर्नाटक में। ठीक है, हम्पी का स्मारक भी कर्नाटक में है। ठीक है, और वो मंदिर है भी हम्पी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, भारत का सबसे अधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वो है भारत। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? वो होती है 3 जनवरी। ठीक है, शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कहाँ होती है? वो होती है जबड़े में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट हमारे पास है, बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो होता है टार्ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? वो की थी जॉन डाल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? वो है राइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका हो जाएगा आशा पूर्णा देवी। नेक्स्ट हमारे पास है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, पीतल किसका मिश्रण है? तो वह है तांबा प्लस जस्ता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये थे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एचपी पटवारी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।